बच्चों को देखिए क्या क्या है, सब क्या है, सब जड़ी बूटी है श्रीमान ओरॉन जी का। ये देखिए कितने सारे रखे हैं, देखिए कितने सारे हो सकते हैं सम्मान जो मिले हैं श्रीमान ओरॉन जी को, देख रहे हैं बनाने वाला है। अच्छा, ये किसी किसी को तकलीफ होता है चाहते हैं दिखाइए तो क्या तो खोल के कुछ ऐसा बैठी बैठी बनाने के लिए अमित। हाँ फोन बंद करो, हाँ फोन बंद करो भाई थोड़ा। हो गया सही है, नहीं तो हम तो बराबर साथ ही निकलते काम करने। हुआ यही था, ठीक है दादा। तो हमारे साथ सिमन ओरॉन जी की धर्मपत्नी भी मौजूद हैं, आइए उनसे ही जान लेते हैं कि 35 साल का सफर कैसा रहा, क्योंकि 35 साल से ही ये काम में लगे हुए हैं। ये बताइए कि 35 साल से सिमन ओरॉन जी काम कर रहे हैं, किसानों के हित में कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको, उनके अंदर ऐसा जुनून कहाँ से आया, कहीं कोई पागलपन तो नहीं? कैसा लगता है आपको? अभी तो कुछ हो भी बहुत कमाई है, तो आप तो कमाने नहीं साथ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे। लेकिन जितना नाम कमाया आपके पति ने, शोहरत कमाई, किसानों के लिए काफी काम किया, आपको कैसा लगता है, कई साल से आप देखते आ रही हैं? क्या कह रही बेटा, कमाई है अभी तो। आप कितना मदद करती हैं? मदद तो नहीं करनी तो टेकला में भी नहीं होता है, इतना करता है इतना हमको भी करने पड़ता है। जब काम की शुरुआत की थी 35 साल पहले, उस वक्त आपके अंदर में भी जोश होगा, जुनून होगा, उस वक्त कैसे आपने साथ दिया सिमन उराव का, क्योंकि आपके साथ के बदौलत ही आज सिमन जी यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारे देश के लोग इन्हें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। रहे हैं सिमन उराव जी और उनकी धर्मपत्नी है, जो कि कहते कहते इनकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद शायद आज तक इन्हें नहीं मिली। लेकिन हम आज यही करते हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इनकी मदद जरूर करे। कांग्रेस सरकार बच्चा खाने टोड़ा रिजर्व नहीं गया, 5 साल के बाद में टोड़ा खंडा लग गया खाने ठीक हम जहाँ पढ़ते थे ना वहाँ ये गए हैं, बता रहे कृष्ण राजा स्कूल वहाँ पर ठीक है दादी, ये वाला कहाँ है दादी? ठीक है दादी, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ सिमन ओरॉन जी इतना बड़ा कार्य किए हैं।